आज सातवें हैदराबाद रियासत के हुजूर निजाम मीर उस्मान अली आसिफजा बहादुर की 133वीं यौम पैदाइश पर आज हम मस्जिद जोधी की कोठी पर हाजिर हुए हैं, जहां पर मीर उस्मान अली आसिफजा बहादुर की आरामगाह है। हम वहां पर हाजिर होते हुए उनकी मजार पे चादर गुल चढ़ाई और फूल चढ़ाए और यहां पर दुआए मगफिरत की कि अल्लाह ताला इनके खबर को नूर से मुनव्वर अता फरमाए, इनकी खबर में जन्नत की खिड़की नसीब फरमाए। खुसूसन यहां पर आने का मकसद हमारी तारीखी और हमारे हुक्मरानों की चीजों को उजागर करना है और खुसूसन हमारी रियासत के वजीर आला कलवा कुंडला चंद्रशेखर राव साहब से इस बात की अदबाना गुजारिश है हमारी कि क्योंकि तेलंगाना रियासत हैदराबाद रियासत का एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि ये खुसूसन हैदराबाद रियासत कहलाई जाती है, हमारी आपसे अदबन गुजारिश है कि हुजूर निजाम बिन उस्मान अली आसिफजा बहादुर की यौम पैदाइश पर आम तातील का ऐलान किया जाए और इनके कारनामों को इनके हुक्मरानी करते वक्त के जो तारीखी वो वाकयात है उसको स्कूली बच्चों के सिलेबस में शामिल किया जाए। हम खुसूसन तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव साहब से अदबन गुजारिश करते हैं, जैसे कि मुजाहिद आजादी और दूसरे तारीख की अहमियत के हामिल लोगों की यौम पैदाइश पर छुट्टी का ऐलान किया जाता है, कोई एक मखसूस दिन उसको मुकर्रर किया जाता है, हमारी भी आपसे अदबन गुजारिश है क्योंकि आज जितनी तारीखी इमारतें हैं असम्बली से लेकर आज जितना भी अगर हैदराबाद कोई एक मॉडर्न सिटी है तो ये इसमें बहुत बड़ा कारनामा आसिफजा बहादुर हुक्मरानों का है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि इनके कारनामों को उजागर किया जाए और इनकी पैदाइश पर यौम तातील का ऐलान किया जाए। तमाम लोग यहां पर तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट फोरम और टीआरएस के कायदीन सीनियर कायदीन यहां पर मौजूद थे और चादर पेश की और मगफिरत की दुआ करते हुए यहां से हमने रुखसत जज़ाकअल्लाह। उस्मान अली खासिफ जा बहादुर की यौम 133वीं यौम पैदाइश पर यहाँ उनकी मजार पर हाजिर हुए हैं। या अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह यहाँ पर हमने फातिहा खानी की है और दुरूद की तिलावत की है और पुरानी सूरतों की तिलावत की है, या अल्लाह इसको कबूल फरमा लीजिए। और या अल्लाह यहाँ पर जितने भी मरहूमिन यहाँ पर है मुदफ्फिन है, या अल्लाह सुख की खबर में कुशादगी अता फरमाइए। या अल्लाह सुख की खबर को नूर से मुनव्वर अता फरमाइए। या अल्लाह सुख की खबर में जन्नत की खिड़की नसीब फरमा दीजिए।